साबूदाना की खिचड़ी महाराष्ट्र के घरों में तो ये बनती ही बनती है, अदर हाउसहोल्ड में भी इन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन एक शिकायत रहती है कि जब भी हम साबूदाना की खिचड़ी बनाते हैं तो ये चिपचिपी हो जाती है, खिली खिली नहीं बनती। तो आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे जिनसे कि आपकी साबूदाने की खिचड़ी बहुत ही खिली खिली और बहुत ही मजेदार बनेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय अनदर कुकिंग ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। साबूदाना आप जब भी भिगोएं तो पहले 2 से 3 पानी से साबूदाना को धो ले, जो उसका पाउडर है, स्टार्च है साबूदाना का, वो निकल जाएगा। उसके बाद जैसे 1 कटोरी साबूदाना है तो 3 कटोरी पानी डालकर आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे। आधे घंटे के बाद साबूदाना में बहुत थोड़ा पानी छोड़ेंगे, बाकी सारा पानी ड्रेन कर देंगे और 6 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे। 5 से 6 घंटे के बाद साबूदाना बहुत अच्छे से फूल जाते हैं और ये देखिए कुछ इस तरह का टेक्सचर हो जाता है, एकदम सॉफ्ट। और साबूदाना में लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ये बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। और अगर साबूदाना ने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया तो भी ये खिचड़ी चिपचिपी हो जाती है, अच्छे से नहीं फूलेंगे तो भी ये चिपचिपी हो जाती है, जो खिचड़ी है मतलब वो चिपचिपी बनती है। तो आप अगर ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपकी साबूदाने की खिचड़ी बहुत ही अच्छी, बहुत ही खिले खिले बनेंगे। तो एक बार आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर साबूदाना भीगे हुए हैं तो फिर खिचड़ी बनाना तो बहुत ही सिंपल है। तो कढ़ाई में हम यहाँ पे 2 चम्मच तेल, आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, 1/2 चम्मच जीरा, 8 से 10 करी पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च। जब क्रैकल हो जाए तो थोड़ा सा हम इसमें पीनट ऐड करेंगे, पीनट जरूर ऐड करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। पीनट को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। उसके बाद इसमें बॉयल आलू ऐड कर रहे हैं कट करके, आप चाहें तो रॉ पोटैटो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत जल्दी है तो बॉयल आलू ऐड करिए, आराम से बना रहे हैं तो रॉ पोटैटो यूज़ करिए, लेकिन दोनों ही बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कमाल के बनते हैं। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं क्योंकि जो आलू है वो फीकी फीकी ना लगे, और इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसके बाद इसमें एक टमाटो ऐड करिए, ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर टमाटर पसंद है तो ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड की है और जो भी साबूदाना हमने भिगो कर रखे थे वो ऐड कर दिए हैं। उसके बाद हम इसमें ये थोड़ा सा हम पीनट ऐड करेंगे, रोस्टेड पीनट पाउडर है। पीनट को पहले भून लीजिए, जब ठंडी हो जाए तो छिलका निकाल कर उसको हम पीस लेंगे। और जो पीनट है वो बिल्कुल दरदरा है, बिल्कुल भी फाइन पेस्ट नहीं है, दरदरा ही है। तो साबूदाना के साथ ही हम 4 से 5 चम्मच ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार फिर से थोड़ा सा नमक ऐड किया है हमने, और इनको हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा चला लेंगे और लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए ढक देंगे। और ढकने के बाद इसने हम फिर से निकाल लिया है, और तब तक यहाँ पे मेरी जो बिटिया रानी है वो आ गई, उसकी कुछ बदमाशी चल रही है, पता नहीं क्या ढूंढ रही है। तो इसका तो चलता ही रहेगा, हम चलते हैं अपनी खिचड़ी की तरफ। तो यहाँ पे हमने 1/2 चम्मच के करीब भुना जीरा पाउडर ऐड किया है, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी फ्रेश धनिया पत्ती। और ये देखिए जब ना ये साबूदाना पक जाते हैं ना तो बिल्कुल ट्रांसलूसेंट हो जाता है, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है साबूदाना, और ये बहुत ही बढ़िया साबूदाना खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। थोड़ी सी हमने नींबू की रस ऐड की है और ये बहुत ही टेस्टी साबूदाना खिचड़ी बनके तैयार होती है। आप साबूदाना की खिचड़ी बनाइए, वड़ा बनाइए, दोनों भी बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो एक बार ये रेसिपी इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। और अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू सून माय नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।